छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में व्यापारियों को एकत्र करके उनके बड़े सम्मेलन को संपन्न कराने जिम्मेदारी चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन को सौंपी गई थी, जिसका निर्वहन उन्होंने ईमानदारी के साथ करते हुए 50 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके व्यापारियों की बैठक आयोजित करवा कर व्यापारियों को संगठित किया और विधानसभा क्षेत्र में हर छोटे बड़े व्यापारी का सम्मान भी किया, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के व्यापारियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर एसीएन न्यूज की टीम ने अजय भसीन से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार दोस्तों, एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है और आपका स्वागत करते हैं फिर से एक बार चुनावी चर्चा में। आज चुनावी चर्चा में हम मुखातिब हो रहे हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री अजय भसीन जी से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई थी और व्यापारियों को संगठित करके व्यापारियों के माध्यम से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। आज हम बात करेंगे अजय भसीन जी से इसी बात को लेकर के कि जिम्मेदारियां कहाँ से मिली, कैसे मिली और जिम्मेदारी मिलने के बाद किस तरह से इन्होंने जिम्मेदारी को निभाया। तो अजय जी, आपका सबसे पहले एसीएन न्यूज में स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, एक सबसे बड़ी पार्टी, दीगर पार्टी, किस तरह की जिम्मेदारी आपको दी गई थी और कहां से मिली थी, पहले ही बताएं। इस बार पार्टी के तरफ से ये तय किया गया, जो भाजपा में 3 प्रकोष्ठ हैं, व्यापारिक प्रकोष्ठ, व्यावसायिक प्रकोष्ठ और आर्थिक प्रकोष्ठ, तो उनके साथ में मेरे को ये जवाबदारी दी गई कि साथ में मिलके, क्योंकि इस समय पे चेंबर ऑफ कॉमर्स पूरे 34 जिले में 90 विधानसभा में विद्यमान है, तो ये तय किया गया कि हम लोग सब लोग साथ में मिलके प्योर व्यापारियों का सम्मेलन, जिसमें सिर्फ व्यापारी होते हैं, व्यापारियों से, व्यापारियों के सम्मेलन में उनका सम्मेलन किया जाए और उन्हों व्यापारियों को जो अपने अपने ट्रेड में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं, उनका सम्मान भी किया जाए। तो ये जवाबदारी प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से मुझे दी गई थी। सब 3 प्रकोष्ठों के जो संयोजक हैं उनके साथ में मिला के मेरे को भी उन्हीं के साथ ये दायित्व दिया गया। भसीन जी, जानना चाहेंगे कि अभी तक जब से आपको जिम्मेदारी मिली है तो विधानसभा क्षेत्र आपने जितने कवर किए हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र कवर किए और जो आपने जो किया है, जो दौरे किए हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? भाजपा नेतृत्व की तरफ से ये तय किया गया था कि 11 लोकसभा और 90 विधानसभा में सभी जगह पे एक एक विधानसभा स्तरीय व्यापारियों का सम्मेलन होना चाहिए। इसके अंतर्गत ये जवाबदारी जिस दिन से दी गई है उस दिन से मैंने ये तय कर लिया था कि मैं जो पहले फेज की वोटिंग है सबसे पहले वहां पर जाऊंगा। तो ये हो सकता है कि मेरा अनुभव नहीं रहा होगा या लोग मेरी क्षमता को नहीं जानते होंगे, इसलिए सबसे पहले मैंने बस्तर विधानसभा, जहाँ सबसे पहले वोटिंग होनी थी उस दिन 19 अप्रैल को वहां पे वोटिंग थी, तो उससे पहले जो उसमें 8 विधानसभा आती है, तो सबसे पहले मैं सुकमा कोंटा, जो छत्तीसगढ़ का जो कोंटा है और धुर नक्सली क्षेत्र है, वहां पे अपने व्यापारियों के माध्यम से पहले हमने एक बैठक आयोजित की, उसके बाद सम्मेलन आयोजित किया, उसके बाद गीदम दंतेवाड़ा और वहां से होते हुए हम कोंडागांव और जगदलपुर, बीजापुर, सभी जगह पे बैठके लेने के बाद व्यापारियों के उत्साह जगाने के लिए सम्मेलन के मार्फत से व्यापारियों में विश्वास दिलाया गया कि अगर हम वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में हम योगदान देंगे तो सरकार भी आपकी तरफ देख रही है और ये सम्मेलन में जो जो व्यापारी अपने अपने क्षेत्र में महारत रखते थे, जो उदाहरण प्रस्तुत करते थे, उनका सम्मान भी किया गया और इसका रिजल्ट भी हमको देखने मिला। आप देखिए, पिछले बार के मुकाबले इस बार बस्तर जो लोकसभा है वहां पे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है। कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे इस कार्यक्रम में व्यापारियों के सम्मान की आप बात कर रहे हैं, कुछ व्यापारियों के ही मुंह से हमने सुना है, कुछ अन्य लोगों के मुंह से सुना है कि सम्मान चुनाव के समय कर रहे हैं। सीधी सी बात है, चुनाव का प्रतिशत तो खैर बढ़ेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए व्यापारियों को बुला के सम्मान किया जा रहा है। इससे पहले कभी व्यापारियों का सम्मान नहीं किया गया, तो ऐसे इस सवाल के जवाब। ये एक अनूठी पहल है, जो मोदी जी का विजन है कि अगर हमें विकासशील देश से विकसित देश बनना है तो
तो उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है वो व्यापारी समाज की होने जा रही है। ये उनकी दूरदर्शिता है। इसी उद्देश्य को लेके उन्होंने पूरे के पूरे 543 जो लोकसभा क्षेत्र आ रहे हैं उन सब में व्यापारियों का सम्मेलन आज से पहले तक कभी नहीं हुआ था। तो ये उनकी सोच है और उनकी सोच को आगे ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। जब हम जा रहे हैं व्यापारियों के बीच में उत्साह है, जब व्यापारी देख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यापारी उनको बुलाया जा रहा है और हमारा सम्मान भी किया जा रहा है, हमारे माध्यम से सम्मेलन भी किया जा रहा है, तब वो उत्साहित हो रहा है कि जब आज चुनाव पूर्व हम सबके बीच में बैठ के हमारी चीजों को सुना जा रहा है तो उनमें एक विश्वास भी जागृत हो रहा है कि जब चुनाव के बाद जो हमारी समस्याएं होती है बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है व्यापारियों की समस्याएं, तो उन्हें एक विश्वास जागृत हो गया है कि हमें भी इस विकास यात्रा में सहभागी बनाया जाएगा। और ये विश्वास ही है जो मतदान प्रतिशत में बढ़ाने में काम कर रहा है। जो पहले फेज में भी हमने देखा छत्तीसगढ़ में कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है, दूसरे फेज में भी हमने देखा कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो हम लोग विकास ये यात्रा निकाल रहे हैं, शपथ यात्रा निकाल रहे हैं, व्यापारियों को उत्साह के साथ हम लेवरेज कर रहे हैं कि इस बार व्यापारी अपने परिवार के साथ, अपने स्टाफ, अपने सहयोगी उनको अपने परिवार के साथ और आने वाले ग्राहकों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाए हुए हैं। व्यापारी उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं और जब व्यापारी किसी चीज को लेके उत्सव से मनाता है तो आप देखिए उसमें परिवर्तन स्पष्ट रूप से नजर आता है। पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव जितनी भी सीटें हैं सब सीटों पर मोदी जी का चेहरा है और जब जनता मोदी जी की तरफ देखती है तो मोदी जी अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरफ इशारा करते हैं। तो ये चुनाव मोदी जी की तरफ से लड़ा जा रहा है या मोदी जी के लिए लड़ा जा रहा है और मोदी जी दिखा रहे हैं कि हमने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया, तो इसलिए मुझे बोल दो। देखिए ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे राम में आस्था है तो गलत नहीं कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमने पूरे समय से संघर्ष किया और जब टेंट में राम जी विराजमान थे और उस समय भी हम कहते थे कि कसम हम खाते हैं राम मंदिर बनाएंगे वहीं वहीं बनाएंगे, तो जब ये नारा था और आज उसको सतार्थ किया है, चरितार्थ किया है और राम जी इतने बड़े भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और लोगों की आस्था आप देखिए उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी भी वहां पे लोग माथा टेकने बराबर मात्रा में जा रहे हैं, परिवार सहित जा रहे हैं, तो ये हमारी एक आस्था का बात है। तो जब ये हुआ है और उसका नेतृत्वकर्ता मोदी जी है तो बिल्कुल वो उनसे जुड़ा हुआ है। जब मोदी जी कहते हैं कि हम आस्था को विकास के साथ जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जब हम यहां तक आ गए हैं तो हमें रुकना नहीं है। 75 वर्ष में जब हम आज तक जो है विकासशील देश बने रहे हैं तो आज जब वो सबके अंदर ये ऊर्जा दे रहे हैं, ये विश्वास जगा रहे हैं कि अब हमें 75 साल का जो किया गया काम है उसको हमको विकासशील देश के रूप में नहीं विकसित देश के रूप में परिवर्तित करना है, ये जो हौसला वो दे रहे हैं तो उसी दोनों चीजें जुड़ी हुई है। लोग बिलीव कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि हम आएंगे मंदिर बनाएंगे, उन्होंने बना दिया, अब वो कह रहे हैं कि आज की छोड़िए आगे की सोचिए। तो उनका जो विजन है वो ये विजन है कि हम विकसित देश बनने जा रहे हैं, आप सब अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए। तो मैं तो ये देख पा रहा हूं, मैं आज आपको बता दूं कि लगभग 50 विधानसभा में व्यापारियों के साथ बैठक करके उनके सम्मेलन आयोजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका हूं। तो व्यापारी बहुत उत्साहित है क्योंकि व्यापारी जब व्यापार करता है तो वो पूरे के पूरे एक क्षेत्र में नहीं रहता है। आज अगर उनका व्यापार है तो पूरे छत्तीसगढ़ में है, आज अगर उनका व्यापार है तो पूरे हिंदुस्तान में है। और अब व्यापारी इस चीज को लेके संकल्पित हो चुका है कि अब मुझे यहाँ नहीं ठहरना है, मेरे पीढ़ियों के द्वारा 3 पीढ़ियां जो खप गई है यहां तक लाने में, अब हम इस पीढ़ी के माध्यम से ही विकसित देश की ओर अग्रसर होंगे। और जो अमृत काल कहा जा रहा है कि ये अमृत काल है तो अमृत वर्षा इस समय होने वाली है और व्यापारी सब संकल्पित हो गया है, उसका फल सबसे ज्यादा व्यापारी समाज समुदाय को मिलना चाहिए। कहा जाता है कि व्यापारी समुदाय जो है, व्यापारी वर्ग जो है, वो किसी भी चुनाव पर बहुत भारी असर डाल सकता है, क्यों और कैसे? बिल्कुल डाल सकता है, ये मैं देख रहा हूं। अगर व्यापारी उदासीन हो जाता है तो उसके इर्द गिर्द इतने सारे डेवलपमेंट होते हैं, आप देखिए अगर एक छोटी सी अगर मैं दुकान की बात करूं, एक उद्योग की बात करूं, एक ट्रांसपोर्ट की बात करूं, एक ठेले हमारे व्यवसायी भाई की बात करूं, तो आप देखिएगा दिनचर्या में उसके साथ कितने लोग जुड़े रहते हैं, उसका जो भाव होता है, जो उसकी गुडविल होती है, उसके साख पे माल लेके जाते हैं,
अगर आप देखिए, अगर आप एक ठेले से कोई सब्जी खरीद रहे हैं, उसके पास चार प्रकार की सब्जी है, वो जिस पे हाथ रखेगा आप उसकी भरोसा करके आप उसकी वो सब्जी घर ले जाते हैं। एक किराना व्यवसायी है, अगर वो चार प्रकार की गेहूं और चावल आपको दिखा रहा है, जिसपे वो हाथ रखता है उस पर आप भरोसा करके वो ले जाते हैं। अगर एक ज्वेलरी की दुकान है, वहां पे बहुत सारे सामान रखे होते हैं ज्वेलरी के, लेकिन जिसपे वो आप भरोसा जताता है उस पर आप भरोसा जताते हैं। इसी तरीके से हर ट्रेड में सामान कुछ भी हो, लेकिन भरोसा दुकान और दुकानदार का होता है। तो जब आज व्यापारी इस भरोसे को मान लिया है कि अगर हमें अपनी मेहनत का फल आने वाले कुछ सालों में मिलने वाला है, तो उसका जो भाव है, जो उसकी गुडविल है, जब वो उसके स्टाफ में एक ऊर्जा के रूप में काम करती है, और जो आने वाला ग्राहक है, जब वो ग्राहक को कह रहा है कि साहब अगर आप वोट डाल को आओगे तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे या डिस्काउंट में कुछ छूट प्रतिशत में देंगे, तो वो उस पर भरोसा कर रहा है कि अगर मेरे से, जब मेरी दूसरी पीढ़ी या 20 साल से 25 साल से हम इनसे व्यापार कर रहे हैं और ये अच्छा सामान दे रहे हैं हमको, तो ये उसकी जो साख है, उसकी व्यापारी की जो बोली है, उस बोली पे भरोसा कर रहा है, उससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ रहा है, और जिस ओर वो सपने दिखा रहा है कि जिस ओर हमें चलना है, मोदी जी के पीछे पीछे चलना है, तो सभी लोग उस चीज को एक उत्साह के रूप में ले रहे हैं। एक संक्षेप में आपसे आंसर जानना चाहूंगा, उत्तर जानना चाहूंगा। अब की बार 400 पार मोदी जी का नारा, विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था तो भूपेश जी का नारा था कि अब की बार 75 पार, लेकिन उनका नारा कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है वो कहीं डगमगाया, जनता ने नकार दिया। लेकिन मोदी जी का ये जो नारा है अब की बार 400 पार, इसके पीछे राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ सेट है, ईवीएम सेट है? देखिए, ये सब तो जो बातचीत होती है करने के लिए होती है कि ये ईवीएम की जो बात करते हैं, तो ईवीएम की जब बात करते हैं, जब वो कर्नाटक में चुनाव होता है तो ईवीएम बदल जाता है, जब हिमाचल में चुनाव होता है ईवीएम बदल जाता है, जब केरल में चुनाव होता है ईवीएम बदल जाता है, जब तमिलनाडु में चुनाव होता है ईवीएम बदल जाता है, जब तेलंगाना में चुनाव होता है ईवीएम बदल जाता है। जब हमारे फेवर की चीजें होती हैं तो वो अलग तरीके से देखते हैं, और जहां नहीं होती हैं तो अलग टाइप से देखते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग ये जानते हैं कि ये जो एक माहौल होता है वो माहौल आप लोगों को पता रहता है, और माहौल के अनुरूप ही जो है वोटिंग होती है। तो कभी भी ऐसा कभी हुआ है कि ये आप मेरे को बता दीजिए कि माहौल कुछ और था, रिजल्ट कुछ और आ गया? ऐसा तो नहीं था। आप छत्तीसगढ़ में, आप और हम दोनों छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मैं आपको बताता हूं कि जब ये लोग दावा ठोक रहे थे 75 पार का कांग्रेस सरकार, और मैं आपको बता दूं कि उस समय भी नवंबर से पहले 35 दिन का मैंने 15 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापारियों को संगठित करके ये सम्मेलन करवाए थे व्यापारियों के, प्रत्याशियों के साथ बैठता था, मैं भरोसा दिलाता था कि इस बार भाजपा सरकार आ रही है। और लोग यहाँ पे मोदी जी की गारंटी बहुत चली थी, लेकिन मैं बड़ी साफ गोई से कह रहा हूं कि व्यापारियों ने मेरी गारंटी को माना था। उस समय जब यहाँ पे भय का माहौल था, व्यापारी संगठित हो रहा था, व्यापारी सम्मेलन अपने दम पे अपने खर्चे पे करवा रहा था, प्रत्याशियों के साथ बैठ रहा था, क्योंकि व्यापारियों ने ये देख चुका था कि ये 5 साल जो रहे हैं ये हमारे प्रदेश को पीछे से पीछे ले जाने वाले रहे हैं, तो ये व्यापारी भाग चुका था। ये बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है, लेकिन उस समय ये तैयारी करने का हमने काम किया था, 15 विधानसभा में प्रत्याशियों के साथ बैठ के व्यापारियों के अंदर से माहौल बनाना और उनको ये बताना कि स्पष्ट तौर पर आप बाहर आइए, आप घबराइए मत, आपकी प्रदेश में भी सरकार आ रही है और देश में भी सरकार आ रही है, और ये आपको ले जाएगी, आगे तक ले जाएगी। आप देखिए उसका असर, आप देखिए इस बार जीएसटी कलेक्शन जो इसमें पिछले महीने का आया है वो 2,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर गया है। तो ये व्यापारियों का भरोसा है ना, वो भरोसा ही जता रहा है कि ये सब ईवीएम जो है सब पुरानी बातें हैं, अभी तो एक माहौल की बातें हैं, अगर हमें आगे जाना है तो एक ही व्यक्ति इस देश में ले जा सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। उनके नेतृत्व में सभी लोग स्वीकार करें। कहने का मतलब अगर मैं ये बोलूं कि देश में मोदी की गारंटी और प्रदेश में भसीन की गारंटी, प्रदेश में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये है, व्यापारियों का मान सम्मान हमेशा से मिला है और व्यापारियों ने इस गारंटी को स्वीकार जरूर किया है कि व्यापारी समाज में मेरी गारंटी को माना है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी माना है, और अभी तक मैं ये देख रहा हूं कि लोकसभा में भी व्यापारी उत्साहित होकर आगे आ रहे हैं और ये मान रहे हैं कि व्यापारियों के लिए जो आने वाला समय है वो बहुत ही अच्छा समय होने वाला है और उसका रिजल्ट भी कुछ सालों में मिलने वाला है। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करती जाती थी, उनको ये नहीं पता होता था कि कब हम अच्छे से अपने व्यापार को कर पाएंगे या अपने व्यापार में स्थापित हो पाएंगे, पहले नहीं पता होता था, लेकिन अब पता है, अब व्यापारी उस चीज को बिलीव करते हैं। और करना चाहूंगा कि सारा व्यापारी वर्ग आज भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए, करवाने के लिए कार्य कर रहा है। अगर
तीसरी बात, मोदी जी की सरकार बनती है तो व्यापारी वर्ग क्या चाहेगा, संक्षेप में बताएंगे। व्यापारी वर्ग हमेशा से देने वाला वर्ग रहा है, बहुत कुछ चाहत नहीं रखता है। व्यापारी वर्ग एक चाहत रखता है कि हमें ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें हम अपने व्यापार को बहुत अच्छे से संचालित कर सकें। आज जो हम ये डिमांड करते हैं कि हम हमेशा से इंपोर्टर्स ना बने रहे, आयात वाले ना बने रहे, हमें ऐसा माहौल दे दिया जाए कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम अपने घर का पैसा लगा के बैंकों से कर्ज लेने के बाद भी अपनी गुडविल के नाम पे हम ऐसा व्यापार करना चाहते हैं कि हम जिसमें समाज और देश की तरक्की हो और हम लोग एक्सपोर्टर्स बने। ये अगर मादा किसी समाज में है तो वो व्यापारी समाज में है, और व्यापारी समाज बिल्कुल ये चाह रहा है कि हमें तनाव मुक्त व्यापार कर सके, हम उसका एक रोड मैप जो है बना के दे दिया जाए। बस एक छोटी सी चाहत लेके व्यापारी समाज मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है, और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा प्रयास बहुत बड़ा रहेगा, हमारी चाहत बहुत छोटी रहेगी। कहा जाता है कि क्षेत्र का नेता, क्षेत्र का मुखिया, क्षेत्र का, वो अपनी जनता को उतना नहीं जानता जितना एक व्यापारी आम इंसान को जानता है, क्योंकि भांति भांति के ग्राहक जो है उनकी दुकान पर आते हैं, और जितना अच्छा जनता को व्यापारी जानता है उतना अच्छा कोई नहीं जानता। तो एक आम जनता की तरफ से क्या मांग करेंगे मोदी जी अगर सत्ता में आते हैं तो आम जनता के लिए क्या करना चाहिए? मैं बिल्कुल मोदी जी से निवेदन करूंगा, जिस तरीके से वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, उसी लाइन पे आगे चलते जाए। मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरे का पूरा जनता का विश्वास उनके ऊपर है, और हम चाहते हैं, मैं भी उसी दिन का जन्मा हूँ जिस दिन मोदी जी, जिस दिन के जन्मे हैं 17 सितंबर के, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी कुछ सांसें उनको लगते चले, और आने वाले समय के लिए, वो जनता के लिए और हम लोगों की आने वाली पीढ़ियों के लिए जो वो एक रोड मैप बनाने का काम कर रहे हैं, FD कराने का काम कर रहे हैं, वो उसको निरंतरता उसी के साथ करते रहे, मैं उन्हें सिर्फ अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये थे हमारे साथ अजय भसीन जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री और भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता। पूरा व्यापारी वर्ग लगा हुआ है कि केंद्र में एक बार पुनः मोदी जी की सरकार काबिज हो जाए, और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं एशियन न्यूज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने व्यापारी वर्ग की आवाज भी सुनी है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। दोस्तों, अगली कड़ी में फिर एक बार एक वर्ग को, अब तो चुनावी चर्चा समाप्त हो गई है, फिर हम अपने इस कार्यक्रम में एक नए चेहरे के साथ, एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।